ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशी और आप देख रहे हैं बाउंड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कल यानी कि 3 दिसंबर को कौन सी हमारी वॉच लिस्ट होंगे, कौन से स्टॉक बाइंग में होंगे, कौन से स्टॉक सेलिंग में होंगे और लॉजिक के साथ देखेंगे क्यों वो बाइंग में होंगे, क्यों वो सेलिंग होंगे। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हम क्या कर रहे हैं कि इंडिकेटर पर एक सीरीज बना रहे, बाद में उसमें स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, बाद में अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिले तो हम उसमें प्राइस एक्शन भी ऐड करने वाले। तो अगर आपको कुछ जानना है, कुछ नॉलेज लेना है तो सिंपल सा तरीका, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। जो हमारा पहला स्टॉक है वो है एशियन पेंट। अभी एशियन पेंट क्यों है वो देख लेते। देखो, मैंने पहले ही बोला था कि एशियन पेंट 50 के रेशियो से अबव जाने की कोशिश कर रहा है, तो वो ऊपर गया, बाद में नीचे गया, फिर से वही लाइन के आसपास से ही ऊपर गया और आपको 1 आवर्स के चार्ट पे एक W सा पैटर्न बना दिया है। तो अभी इसका ब्रेकआउट हो चुका है, शायद ये थोड़ा रिट्रेस करके ऊपर जाए या सडनली ऊपर जाता है, तो देखना पड़ता है। अगर आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है बाय साइड की, तब आप इसमें डेफिनेटली बाय साइड जा सकते हो। देखो, ये 50 के रेशियो से अबव भी आया, W पैटर्न भी बना दिए, तो हो सकता है कल ये आपको एक अपसाइड मूवमेंट देता हुआ दिखे। तो जो हमारा पहला स्टॉक था वो है एशियन पेंट। एशियन पेंट आप बाय के लिए ले जा सकते हो। जो बाद में हमारा दूसरा स्टॉक है वो है L&T। अभी L&T क्यों ले रहा हूँ वो देख लीजिए। देखो, L&T को जब भी मैं 1 डे पे शिफ्ट करता हूँ तो आपको इस पे एक स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है। देखो, इधर क्या थी, एक अनडिसिजनल कैंडल बना दी, बाद में रेड बना दी, फिर से अनडिसिजनल बना दी, तो हो सकता है कि इधर से यह अप जाने की कोशिश कर रहा होगा। अगर ये इधर से अप जाने की कोशिश कर रहा है तब आपको ये कल ही मूवमेंट दे सकता है। और अगर इसको मैं 1 आवर्स के चार्ट पे भी शिफ्ट करता हूँ कि मेरे को वहाँ एक W जैसा पैटर्न दिख रहा है, जिसको आप डबल बॉटम बोल सकते हो, लेकिन अभी तक इसने ब्रेकआउट नहीं दिया। हो सकता है कल ये आपको एक अप मूवमेंट में देखने को मिले और परसों ये इसको ब्रेकआउट कर दे। अगर L&T आपको कल अपसाइड जाने का साइन देता है, जो भी आप सिस्टम यूज करो, या तो स्ट्रेटेजी यूज करो या तो प्राइस एक्शन यूज करो, उसमें आपको अपसाइड जाने के सिग्नल मिलता है, तभी आप L&T में बाय साइड में आ सकते हो। और मैं बता देता हूँ, जो हमारे बाय वाले स्टॉक है वो बाय साइड सिग्नल दे तब लेना है, सेल वाले वो सेल साइड सिग्नल दे तब लेना है। ऐसा ही नहीं होता कि जैसे ही ओपन हुआ मार्केट आपने बाय या सेल कर दिया। अगर आपको उस साइड मूवमेंट देखने को मिलता है तब आप बाय या सेल कर सकते हो। जो हमारा तीसरा स्टॉक है वो देख लेते हैं। जो हमारा तीसरा स्टॉक है वो है डॉक्टर रेडी। अभी डॉक्टर रेडी क्यों है वो देख लेते हैं। अगर मैं इसको 1 डे पे शिफ्ट करता हूँ तो आपको इधर क्या है कि एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है, आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन मेरे को इधर क्या दिख रही है, एक आपको अनडिसिजनल कैंडल, उसका कंफर्मेशन, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड। तो हो सकता है कल ये मार्केट ओपन होने के बाद आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिले, तो इसीलिए मैं इसको ले जा रहा हूँ सेल साइड के लिए कि शायद इधर से ये आपको और थोड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में, तो हो सकता है आप इसे इंट्राडे में भी कैच कर सको। तो ये था डॉक्टर रेडी मेरे सेल लिस्ट में। इसके बाद जो मेरा स्टॉक है वो भी सेल लिस्ट में है, वो सेल लिस्ट में है और कौन सा है वो देख लेते। जो इसके बाद है वो लुपिन है। लुपिन मेरे सेल लिस्ट में है। मैंने आपको बोला था इधर ये आपको डबल टॉप बनता हुआ दिख सकता है, तो वो आज भी आपको डाउन साइड देखने को मिला। आप इसे 15 मिनट पे देखोगे तो आपको एक डाउन साइड देखने को मिल रही है। देखो, ये डाउन साइड आपको देखने को मिले, थोड़ा आप है, बाद में फिर से डाउन साइड है। तो बाद में अगर मैं इसको 1 डे पे भी शिफ्ट कर रहा हूँ ना, तो भी मेरे को इसमें डाउन साइड दिख रहे हैं। देखो, इधर अनडिसिजनल, बाद में इधर आपको एक रेड कलर की कैंडल, तो हो सकता है कि लुपिन आपको और ज्यादा डाउन ट्रेंड देखने को मिले। तो अगर आपको लुपिन में कल कोई सेल साइड अपॉर्चुनिटी मिलती है तब आप इसमें सेल कर सकते हो। उसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो है डीवी स्लैब। अभी डीवी स्लैब क्यों है वो देख लेते। डीवी स्लैब को जब मैं 1 डे पे शिफ्ट करा हूं तो मैंने आपको बोला था इधर आपको एक डार्क क्लाउड पैटर्न देखने को मिली है, तो वो पैटर्न दिख गई, बाद में एक छोटी सी डाउन ट्रेंड भी देखने को मिला। बाद में अभी क्या है कि ग्रीन कैंडल की कैंडल आ चुके, लेकिन मेरे को लगता है कि डीवी स्लैब और थोड़ा नीचे जा सकता है, तो हो सकता है कल ये आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिले। जब ये आपको कल डाउन ट्रेंड में देखने को मिले तब आपको सेल करना है। ऐसा ही नहीं होता कि आपने क्या है कि सेल करके रख दिया। जब आपको ये डाउन ट्रेंड के सिग्नल दे तब आपको इसको सेल करना है। इसके बाद जो हमारा आखिरी स्टॉक है वो कौन सा है वो देख लेते। बाद में जो हमारा आखिरी स्टॉक है वो है टाटा स्टील। अभी टाटा स्टील क्यों है वो देख लेते। तो जब हम इसको 1 डे पे शिफ्ट करते हैं तो आपको इधर एक क्या है कि एक नीचे की साइड जाती हुई एक पैटर्न दिखेगी। आप इसे क्या है कि हरामी पैटर्न भी बोल सकते हो, अनडिसिजनल कैंडल की पैटर्न, बाद में उसकी कन्फर्मेशन भी बोल सकते हो। तो अगर ये आपको कल डाउन ट्रेंड में सिग्नल देता है कोई डाउन साइड जाने का, तब आप इसमें सेल कर सकते हो।
तो हमारे जो स्टॉक लिस्ट थी उसमें पहला था एशियन पेंट आपको बाय साइड लेके जाना है, बाद में था एलएनटी, एलएनटी आपको बाय साइड लेके जाना है, बाद में था डिविसलेब, तो डिविसलेब आपको सेल में लेके जाने, बाद में था लुपिन, तो लुपिन भी आपको सेल में लेके जाने, बाद में था डॉक्टर रेडी, तो डॉक्टर रेडी भी आपको सेल में लेके जाने, और आखिर में था टाटा स्टील, तो टाटा स्टील में भी आपको सेल में जाना है। जो स्टॉक बाइंग में हो बाइंग के अपॉर्चुनिटी दे तब बाय करना, सेल वाले जब सेल में अपॉर्चुनिटी दे तब लेना, अगर कुछ नहीं मिलता तो रहने दो, कोई ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो कल के इंट्राडे वॉच लिस्ट के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे, सो प्लीज यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। और हम क्या है कि इंडिकेटर पे एक सीरीज बना रहे, बाद में उसमें स्ट्रेटेजी ऐड करेंगे, और अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम उसमें प्राइस एक्शन भी ऐड करने वाले। तो अगर आपको कुछ नॉलेज लेना है, कुछ जानना है, तो सिंपल सा तरीका हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।